हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टेशन। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 49,568 वाले कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितना जाएगा नॉर्मलाइजेशन से पहले और नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन फ्रेंड्स, यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बता देना चाहते हैं। यहाँ पर दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक, कट ऑफ। यदि आप कट ऑफ की वीडियो देखते देखते परेशान हो गए हैं और अब आप कट ऑफ की वीडियो नहीं देखना चाहते, तो अभी मात्र 30 सेकंड हुआ है, आप निकल जाइए। मुझे कमेंट में कुछ मत कहिएगा, हमारा काम है वीडियो बनाना, हम बनाते हैं, ओके। दूसरी बात, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, फॉर माय सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, ये वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप शांत रहिएगा, कुछ थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप, ताकि हमारा परिवार बड़ा हो सके, और इसलिए हमें कट ऑफ की दोबारा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइबर जो मेरे हैं, प्लीज़ हेल्प करिएगा, कुछ साथ दीजिएगा आप लोग। और जो नए हैं, वो भाई हमारे कट ऑफ की पूरा वीडियो देखें, और देखने के बाद वो अपना नंबर एनालाइज करें और अपने उसी हिसाब से तैयारी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बिफोर नॉर्मलाइजेशन की, हमने क्या बताया है। हमने ये बताया है जो पेपर दे करके चले आए और जिनका नंबर UR यानी जनरल कैटेगरी में 170 से 175 नंबर बन रहा है, साथ ही साथ अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, अगर इतना नंबर बन रहा है तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। सेफ क्या, 70 तो बॉर्डर लाइन माना जाएगा, लेकिन 75 आप सेफ मान सकते हैं, ठीक। UR ये अदर स्टेट वालों का हो गया। OBC की बात किया जाए तो OBC में जिसके 160 से 165 बन रहे हैं, वो बिल्कुल परेशान मत होइए। 165 वाला तो सेफ़ है, 160 वाला बॉर्डर लाइन पे है, इसलिए उसको भी अपने आप को सेफ मानकर चलना है, ठीक। और तीसरी बात की तो SC की, तो 145 से 150 जिसके भी नंबर हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए भाई, इस बार वर्दी आपकी है, ठीक। और ST की बात की जाए तो 135 से 145 जिसके भी है, बिल्कुल सोचना समझना कुछ है ही नहीं, कोई कुछ भी बोले इतना घटेगा इतना बढ़ेगा। कोई कोई बड़े बड़े चैनल अलग देखो आप, 210 बता के रखे हैं, 210 जाएगी बताए, जैसे जिसका जितना बड़ा चैनल उसका उतना बड़ा कट ऑफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स मैन की, तो यहाँ पे हमने 45 से 50 लिखा है, ये नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन है। अगर 45 से 50, हालांकि हमने ज़्यादा रखा है, 45 से 50 क्वेश्चन, इतना नहीं जाएगा, काफ़ी कम इससे जाएगा, ये हमने बट रख दिया है, ठीक है। तो एक्स मैन वाले, अगर इससे आपका 5 या 10 नंबर कम हो रहे हैं, 10 या क्वेश्चन कम हो रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका नाम आएगा, ठीक है। अब आप नीचे चलते हैं और बात करते हैं कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितना जाएगा। तो हमने जैसा कि बताया, अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो बिल्कुल मत देखिए, और अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, और मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, प्लीज़ सपोर्ट मी। तो अब चलते हैं और आगे देखते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको सही जानकारी दे रहा है, एकदम सही जानकारी दे रहा है। स्क्रीन शॉट लेकर के रख लीजिए, आपका यही नंबर होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर बार भूल गया, लेकिन अब की बार याद आ गया तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए OBC का कोई कैंडिडेट है, 100 कैंडिडेट हैं, 100 कैंडिडेट का नंबर 163 नंबर हो जाता है, ठीक। 163 नंबर, हमने 160 से 165 बताया, 163 नंबर होते हैं 100 कैंडिडेट के। तो 100 कैंडिडेट का ये बिल्कुल नहीं है कि 100 के 100 का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे किस्मत का भी खेल चलता है, 100 के 100 नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होता है। आप देखिएगा, इस बार भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका 180 या फिर 190 होगा, वो सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, वो परेशान होंगे, देखना आप। मेरी ये बद्दुआ आपको नहीं है, ये पीछे सलातन से चली आ रही जो है प्रक्रिया है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। आप बस भगवान से प्रेयर करिए कि आपका नॉमिनेशन में साथ मिले और आपके साथ ऐसी घटना ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैं ऐसा कह दिया हूँ तो ऐसा मैं आपको सच्चाई बताया हूँ, आपका बुरा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ, ठीक। तो चैनल के साथ बने रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसा हर कैटेगरी में होगा, बिल्कुल होगा, आप देखिएगा। तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं विद नॉर्मलाइजेशन कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद नॉर्मलाइजेशन की हमने बात की है, हमने क्या कहा, UR यानी जनरल में 170 से 175 वाले सेफ हैं, और हमने विद नॉर्मलाइजेशन बता दिया कि 195 से 200 नंबर, 195 से 200 नंबर ये नॉर्मलाइज्ड होकर के जाएगा नंबर, आप देखिएगा। कुछ भाई हमारे पूछ रहे थे, यार इतना बढ़ेगा, 25 से 30 नंबर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा भाई। आप अभी तक जो सामना किए हैं, ग्रुप डी का सामना किए हैं, LP का सामना किए हैं, 41,520 का सामना किए हैं,
आरपीएफ का सामना किए हैं। हर वैकेंसी में देख लीजिए आप, ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां 40 से 45 नंबर आपके ना बढ़े हों। इतना नंबर किसी ना किसी कैंडिडेट के बढ़ ही जाते हैं, पता नहीं क्यों बढ़ जाते हैं। इस बार भी इतना ना सही तो, लेकिन 30 से 25 नंबर तो ज़रूर बढ़ेंगे, ये मेरा आप विश्वास है। आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आप देख लीजिएगा। और अब बात करते हैं अदर स्टेट की, तो सेम यही कंडीशन होता है अदर स्टेट की। जनरल में जाते हैं, ओबीसी का हम बात करें तो 160 से 165 जिनके नंबर आ रहे हैं रॉ मार्क्स पेपर देने के बाद, सेफ समझिए। और विद नर्म से अगर 190 से 195 हो रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, उतना तो आपका जाएगा ही जाएगा, आप हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। और एससी से बात किया जाए तो 145 से 150 हमने बताया था रॉ मार्क्स, विद नर्म से अगर 170 से 175 हो रहे हैं तो आप परेशान मत होइए, आपका नाम आएगा। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, नहीं तो बाद में हमको ढूंढेंगे कि ये कौन था बताया था जिसने कि हो जाएगा, और होने के बाद आप याद कहाँ करोगे हमको, चले जाओगे ट्रेनिंग पे। और यहाँ पे एसटी की बात किया जाए तो 135 से 140 के बीच जो भी जिनका रॉ मार्क्स आ रहा है टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। और विद नर्मेशन अगर 145 से 150 हो जाते हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, आपका परेशान नहीं होना है। एक्समैन का हमने कहा था कि हमने ज़्यादा बताया था वहाँ पे, एक्समैन का उतना नहीं जाएगा, उससे कम जाएगा। यहाँ पे 60 से 65 नंबर आप अपने आप को फुल सेफ मान के चलिए, फुल सेफ की बात बताऊँ, फुल सेफ, ठीक। तो फ्रेंड्स, जिसके भी नंबर इस रेंज में हैं वो बिल्कुल परेशान मत होइए, फिजिकल की तैयारी करिए। और यहाँ पे आप अगर हो जाता है इतना बढ़ के, इतना होएगा, हो जाता क्या है, आपका नाम आएगा, इस बार आपको वर्दी मिलेगी, बिल्कुल परेशान मत होइए, इस बार वर्दी मिलेगी। 51,000 जो आ रही है उसकी तो बात ही छोड़िए, वो लोग जब पेपर देंगे तो आप लोग ट्रेनिंग कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको चैनल के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमने एकदम एग्जैक्ट और सही बताया है, कट ऑफ फालतू वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। और फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे की तरफ, और अगला जो देखते हैं वो फीमेल की बात करते हैं। फीमेल का बहुत लड़की हमसे पूछती हैं हम क्या बताएं अब, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं कि सेम रूल अप्लाई दैट अप्लाई ऑन UPP 41,520 में, अगर वही रूल अप्लाई होता है जो 41,520 में अप्लाई हुआ था तो OBC गर्ल की जाएगी 170 से 175, इससे कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं होने वाली, ये बात आप याद रखिए, इससे कम होगा, नेगेटिव होगी, प्लस किसी भी कीमत पर नहीं होगा, ठीक। और UR जनरल की बात किया जाए, यानी जनरल में गर्ल्स की बात किया जाए तो 140 से 145 सेफ हैं, फुल सेफ हैं, अगर वो पिछली बार की तरह नियम रहा तो, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमने बताया सारा का सारा कट ऑफ। अगर किसी को कोई भी जानकारी चाहिए जैसे SC ST कैटेगरी की हैं गर्ल्स, कमेंट्स करिए, हम आपके कमेंट्स का जवाब तुरंत दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कमेंट्स करिए, कोई राय हो उसको पूछिए, और कोई बात हो उसको पूछिए, बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो हमने शुरू में बता दिया था, आप निकल जाइए। और मेरे सब्सक्राइबर को हमने बताया था कि हमारा वो सपोर्ट करेंगे, तो वो सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि हमको परिवार बड़ा करना है, और परिवार बड़ा करने का मतलब GS स्टेशन परिवार में सब्सक्राइबर को बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, आपकी बार वर्दी त्यौहार।